दोस्तों, येस बैंक के शेयर पे काफी सवाल मेरे पास पिछले 2-3 दिनों से आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि अभी रीसेंट में येस बैंक को 8900 करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट 2 ग्लोबल इक्विटी फर्म से मिली है। तो उसके बाद से काफी सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि क्या ये बैंक फिर से एक मल्टी बैगर बैंक बनने वाला है, एक शेयर ये फिर से एक ऐसा बन के आएगा जो 100 रुपये 200 रुपये फिर से जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में पहले समझेंगे कि जो दो एक बड़े यहां पर चेंजेस इस बैंक में हुए हैं वो क्या चेंजेस हैं, और साथ में फिर हम लोग ये देखेंगे कि अगर इसका शेयर प्राइस 100-150 रुपए पे जाना है तो कितना प्रॉफिट यहां पर हो सकता है, और इसके शेयर में इन्वेस्ट करते हुए आपको किन किन चीजों का खास ख्याल रखना है। तो आइए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर खुलवा सकते हैं। अब दोस्तों, येस बैंक में दो बड़ी डेवलपमेंट्स रिसेंट में हुई है। एक लगभग अगर आप देखेंगे 20 दिन पहले की ये बात है, येस बैंक ने अभी 48,000 के जो करोड़ के उसके एनपीए हैं उसकी सेल के लिए अपना बेस बिडर यहां पर सिलेक्ट कर लिया है, जेसी फ्लावर्स एआरसी। तो यहां पर होने क्या वाला है कि ये जो एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ये इसके 48,000 करोड़ के एनपीएस खरीदने वाली है। अब उसकी ऑक्शंस वगैरह का प्रोसेस सारा शुरू हो चुका है और यहां पर येस बैंक के पास ये ऑप्शन भी रहेगी कि ये इस कंपनी में 20% का एक माइनॉरिटी स्टेक भी यहां पर खरीद सकती है 350 करोड़ रुपए में। तो अगर ये वाला चीज हो जाती है सक्सेसफुली तो आधे जो इसकी प्रॉब्लम है, जो बैड लोन्स की प्रॉब्लम है, वो इसकी सेट असाइड हो जाएगी, क्योंकि जो इसके लोन्स हैं वो ये एक बारी में क्लीन अप कर देंगे। तो ये चीज लगातार अब नई तरीके से कंपनीज अपने क्लीन अप करने लगी है, तो ये एक अच्छी बात है जो आने वाले टाइम में येस बैंक के लिए होने वाली है। दूसरी अच्छी बात जिस पर काफी सारे लोग यहां पर बात कर रहे हैं वो अभी रिसेंट में जो यहां पर न्यूज आई है, जिसमें हमें काफी ज्यादा लोग यहां पर बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, यहां पर होने क्या वाला है कि दो ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी जो इन्वेस्टर्स हैं वो येस बैंक में $1.1 बिलियन लगाने वाले हैं, यानी कि 8900 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट येस बैंक को मिलने वाली है। तो यहां पर होगा क्या कि लगभग 10% का जो स्टेक है येस बैंक का वो ये दो ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स खरीदने वाले हैं। कितने प्राइस में खरीदेंगे तो यहां पर दो ऑप्शन आएगी, 5100 करोड़ रुपीज की तो यहां पर ये इक्विटी शेयर्स खरीदेंगे और 3800 करोड़ के ये इक्विटी शेयर्स के वॉरेंट खरीदेंगे। अगर हम बात करें इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशंस की तो 13.78 प्राइस पे यहां पर ये खरीदा जा रहा है, तो अभी लगभग 16.5 रुपए के आसपास येस बैंक का शेयर चल रहा है। जब ये डील हुई थी उस वक्त इसी प्राइस के आसपास इसका शेयर उस वक्त मार्केट में था, तो प्रेफरेंशियल बेसिस पे 13.78 रुपीज पर शेयर के बेसिस पे 370 करोड़ इक्विटी शेयर से खरीदेंगे। उसके अलावा जो शेयर वारंट है उसमें 14.8 रुपीस पर वारंट यहां पर इनको देना होगा, तो ये कन्वर्टिबल होंगे इक्विटी शेयर्स में 14.8 रुपीस में अगर ये बाद में कभी भी उसको कन्वर्ट कराना चाहते हैं। तो ऐसे करके लगभग 9000 करोड़ रुपीस यहां पर येस बैंक को मिलने वाले हैं। तो ये देखिए यहां पर सिक्वेंशियली बैंक चल रहा है। सबसे पहले बैंक ने अपने जो बैड लोन्स है उनको खत्म करने के लिए एआरसी को अपने बैड लोन्स को बेच रही है, तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है। उसके बाद यहां पर जो एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए थी ताकि बैंक अपने आप को ग्रो कर सके, उसके लिए 9000 करोड़ रुपीज इस बैंक को यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दो अच्छी बातें बैंक के लिए यहां पर होती हुई दिख रही हैं। अब अगर हम रीसेंट में इसके रिजल्ट्स पे यहां पर बात करेंगे तो रीसेंट के रिजल्ट कोई बहुत ज्यादा इंकरेजिंग ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से नहीं आए थे। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स यहां पर देखते हैं, नेट प्रॉफिट में गिरावट है, और अगर आप यहां पर रेवेन्यूज में देखेंगे तो स्लाइटली इंप्रूवमेंट यहां पर आपको नेट रेवेन्यू में यहां पर देखने को मिलती थी। तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रिजल्ट्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंकरेजिंग रिजल्ट्स नहीं थे, लेकिन जो एक अच्छी बात इस बैंक के साथ लगातार हो रही है, एक तो ये अपने जो बैड लोन्स हैं उनको दे रही है, दूसरे जो अभी इसके पास बैड लोन्स उसके बाद बच जाते हैं उसमें भी लगातार इनकी जो नेट एनपीए है और उसके साथ ग्रॉस एनपीए ये भी लगातार कम होते हुए नजर आ रहे हैं। 4% के आसपास नेट एनपीए इनके रह गए हैं और ग्रॉस एनपीए 13.45%। तो क्या ये बहुत कम है? ये बहुत कम नहीं है। अगर आप बड़े बैंक्स की बात करें, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, तो इनके जो एनपीएस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा 1-2% के आसपास
यहाँ पर होते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम HDFC बैंक की यहाँ पर बात करेंगे तो अगर आप उन बैंक से कंपेयर करेंगे तो अभी भी बहुत ज्यादा हाई लेवल पर इसके ग्रॉस NPA और नेट NPA हैं, लेकिन अगर आप विद इन येस बैंक देखेंगे तो लगातार इंप्रूवमेंट यहां पर देखने को मिल रही है। खासकर अगर आप दिसंबर 2019 ऑनवर्ड्स देखेंगे तो 18.87% से गिर के 13% आ गया है, नेट एनपीए 6% से गिर के 4% के आसपास यहां पर आ गए हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें इस बैंक के लिए यहां पर होने वाली है, हो रही है, जो इसमें से बैड लोन्स और यहां पर उसके साथ साथ 9,000 करोड़ रुपए मिलने की एक अच्छी बात यहां पर हुई है। अब काफी सारे लोगों का सवाल लगातार ये मेरे से आता है, लास्ट टाइम भी काफी सारे लोगों ने पूछा था कि क्या इसका शेयर अब 100 रुपए पे जा सकता है, क्या ये फिर से एक मल्टी बैगर शेयर बन सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी है कि पिछले 3 साल से 5 साल से सभी लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका शेयर एक मल्टी बैगर शेयर बनेगा, लेकिन अभी तक वैसा कुछ नहीं हो पाया है। तो अगर हमें इस शेयर के बारे में थोड़ा और समझते हैं कि क्या ये शेयर 100 रुपए का या उससे ज्यादा का हो सकता है, तो एक चीज मैं यहां पर आपको एक कैलकुलेशन पहले दिखाता हूं। तो उससे पहले आपको यहां पर समझना है कि बैंक का जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट है वो यहां पर 1200 करोड़ रुपए का है। अगर आप ओवरऑल सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ एक साल में काफी अच्छी है क्योंकि इनके एनपीएस जो हैं, जो बैड लोन्स के प्रोविजंस हैं, वो लगातार यहां पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलते हैं एक बारी दोस्तों इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बेसिकली ये बताता है कि वैल्यूएशंस क्या है, उसकी असली में वैल्यू कितनी है। तो स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो अभी 35.7% के आसपास यहां पर चल रहा है, इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 17 के आसपास है। इसका मतलब क्या है कि ये 17 रुपए भी इंडस्ट्री की वैल्यूएशन से लगभग डबल पे अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और ये एक बेस इसका स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग 30 से 35 का बना हुआ है। अगर आप बड़े बैंक्स का यहां पर और बैंक्स का देखेंगे, एचडीएफसी बैंक का 20 का है, आईसीआईसी बैंक का 21 का है, कोटक महिंद्रा का 28 के आसपास है, तो 20 से 25 के आसपास यहां पर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे। बंधन बैंक का थोड़ा हायर प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, लेकिन उसके अलावा जितने भी बैंक्स हैं उनका, उनसे कंपेयर करेंगे तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ये अभी भी हायर साइड पे यहां पर चल रहा है। अब समझते हैं कि अगर इसको 100 रुपए पे जाना है तो कितना प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका बढ़ना चाहिए। तो देखिए यहां पर मैंने कैलकुलेशन की हुई है, तो इसको हम एक बार ही समझते हैं पहले। तो टोटल जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं वो इसके पास 2500 करोड़ के आसपास है, जो इंडस्ट्री का पीई यहां पर चल रहा है वो 16.7 के आसपास चल रहा है, और अगर आप यहां पर इसके शेयर की बात करें तो इसका शेयर अभी लगभग 16.7 का है। तो एक तो ऑलरेडी इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, तो कंपनी को अगर करंट लेवल्स के जो स्टॉक प्राइस है उसको जस्टिफाई करना है करंट इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे, तो इसको अपना जो प्राइस प्रॉफिट है उसको डबल करना होगा, यानी कि 2500 करोड़ पे जब इसका प्रॉफिट आएगा तो ये इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के मुकाबले शेयर पे आ जाएगा। अब चलिए हम ये देख लेते हैं कि जो इसका अभी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है 35.7, अगर हम वही एज्यूम कर लेते हैं और हम ये मान लेते हैं कि इसका प्राइस 100 रुपए के आसपास सेम प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहते हुए हो जाए, तो लगभग इसको जो अपना टोटल प्रॉफिट है उसको 7000 करोड़ के आसपास करना होगा, यानी कि 500% इसको अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना होगा। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर यहां पर देखेंगे तो ग्रोथ इसमें दिख रही है, लेकिन क्या एक साल में ये 500% ग्रोथ अपने प्रॉफिट में कर सकता है, बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। अब काफी सारे लोगों का सवाल यहां पर आता है कि क्या हमें येस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या हमें यहां पर स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, येस बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, येस बैंक में अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आपको एक चीज प्रैक्टिकली समझनी है कि अगर इसका शेयर बढ़ना है तो वो हमने चीजें समझ ली कि इसको अभी प्रॉफिट्स में ग्रोथ लानी बहुत ज्यादा जरूरी है। बैंक इवेंचुअली पिछले 2-3 सालों में जब से जो प्राइवेट बैंक से SBI वगैरह ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है उसके बाद से डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी जो इसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हायर लेवल पे हैं। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट सोचकर आप करिएगा। दूसरी चीज, आपको यहां पर ये समझना है कि ये एक स्लो एंड स्टेडी लंबी ग्रोथ हो सकती है, 5-10 सालों की ग्रोथ हो सकती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं
तो आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि येस बैंक जैसे शेयर आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनते हैं, ये शेयर्स बनते हैं आपके जो आपके रिस्की वाले शेयर्स होते हैं उसके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनते हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 2-5% से ज्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में मत सोचिएगा, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करिएगा। और ये उम्मीद करके मत इन्वेस्ट करिएगा कि 2-6 महीने में ही ये एक मल्टीबैगर शेयर हो जाएगा। एक स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ, अगर ऐसे ही धीरे धीरे इसके प्रॉफिट्स में इंप्रूवमेंट दिखती रही, इसके एनपीएस ग्रॉस एनपीएस में इंप्रूवमेंट दिखती रही, तो आने वाले टाइम में ये एक अच्छी रिटर्न्स दे सकता है। लेकिन उसके लिए आपको रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो पे, और वो चीजें समझकर आपको इन्वेस्ट करनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको येस बैंक के बारे में समझने में इस वीडियो से क्लैरिटी हुई होगी। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, मेरी कोई भी वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।